एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज है फिर थर्सडे थर्सडे हाँ आज है थर्सडे, याद आ गया। हाँ याद आ गया। देखिए आज मैं से पूछे थर्सडे, देखिए आज मेरे आज मैंने ये पहना है, एक ईयर पीस। कैसा लग रहा है आपको? और दूसरे में कुछ नहीं है, खाली है, क्योंकि ये एक ही कान का मिला है मुझे, दूसरे कान का नहीं, क्योंकि ये एक ही कान में पहना भी जाता है। तो अभी मेरी जो वीडियो है वो सेव हो रही है। हम लोग अब जा रहे हैं नीचे, फाइनली आज नौमी के दिन जा रही हूँ मैं नीचे। तो नौमी है इसलिए बम फोड़े जा रहे हैं। नौमी के दिन पता नहीं कोई बम फोड़ रहा है यहाँ पे, पता नहीं, कोई शादी तो हो नहीं सकती ऑब्वियसली ऐसे माहौल में। राजा जिन लोगों की शादी होगी, अगर आप में से किसी की शादी वादी थी वो पोस्टपोन हुई, बताइएगा मुझे कि कुछ लोगों की शादी पोस्टपोन वगैरह भी हुई है। मैं भी कलर फोड़ूंगा, इनको भी थोड़ा शौक चढ़ा, इन्हें बोला मैं भी कलर। इनके पास दो रखे हुए थे, ये दिखाना जरा, तो ये दो रखे हुए थे, ये कह रहे हैं कि मैं इन्हें फोड़ूंगा। तो चलिए चलते हैं, फोड़ते चल के थोड़ी मस्ती करें, पक गए अब। तुम होली बना रहे हो अभी? हैप्पी रामनवमी। हैप्पी राम या ठीक है, तो गंदी स्मेल आ रही है इसमें। धुआं नहीं, कलर है होली का। क्या हुआ? क्या हाँ चल गया, क्या हुआ? अरे जल्दी आओ अंदर, क्या हुआ? सच में चल गई? लग तो रहा है। ऐसे काम करा करती। टूथपेस्ट लगाओ। चल गया? गरम गरम तो लगा था। दंत कांड थी। लगा लो हाथ के, हाथ में अभी छाला पड़ जाएगा। बर्फ का दूध डाल दो ठंडे में। नहीं नहीं सच यार, क्या यार, मैं मना कर रही थी, मेरी आंख जल रही थी। ये जल गया है? ये कोलगेट से ठीक होता है? ये कोलगेट? हाँ कोलगेट। नहीं नहीं ठीक है, आपको जो भी हो क्या कर लो तू। क्या कर लिया? बस यही बचा था। चोर खाना चोर खाना चोर, ये देखिए खाना चुराया जा रहा है यहाँ पे नीचे आके, जो पापा ने बनाया रहा आज अपना रामनवमी का प्रसाद है। ये देख सकते हैं, ये है प्रसाद में चने की सब्जी है और राइस की वो है, क्या बोलते हैं, चावल की खीर है, राइस की खीर है, राइस की खीर है, केला है और ये कुछ है, ये पापा के द्वारा बनाया गया, पापा ने बनाया है। ये है हलवा, काय का हलवा है पापा? हलवा काय का बनाया है आपने? सूजी का, सूजी हलवा बनाया है। खाना चोर खाना चोर खाना बदोश। मैं खीर रख दूं यहीं पे? मैं खाऊंगा। ओके खाना बदोश हूं मैं, ठंडा कर दूंगा मैं, खाना बदोश हूं मैं। चुरा लिया गया खाना शानी द्वारा, देख सकते हैं आप, एक एक बूंद कीमती है इस समय खाने की। रसा भी नहीं छोड़ा जा रहा है कढ़ाई में, छोड़ दिया मैं। एहसान कर रही इतना सारा रसा, क्यों नहीं चाहिए? नहीं चाहिए, क्यों नहीं चाहिए भैया? दूध बहुत, दूध भैया ये बहुत काम की चीज़ है। कोई को खाना ना मिले तो बॉर्नविटा वाला दूध पी सकता है, जिसको खाना ना मिले, खाना ना मिले तो बॉर्नविटा वाला दूध पी सकते हैं, जैसे मैं पीता हूँ ग्लास भर के बॉर्नविटा। और ये पापा देखिए क्या बता रहे हैं, खाने के लिए दे रहे हैं कुछ। ये क्या है? खा के देखो ये। नहीं आई डोंट लाइक चना। पापड़ बनाया आपने? पापड़ बनाए थे? कौन से पापड़? देखो ये बनाए घर में रखे होंगे, ये कौन से पापड़ बनाए? उसके बाद में फ्राई करने बनाए। कैसे पापड़ कैसे बनाता कोई? हाँ ये देखिए, ये जमाखोरी देखिए। ये मलाई की जमाखोरी, पीली मलाई, मलाई को पीलिया हो गया मलाई को आपकी। कल मालूम बड़ी वाली गाड़ी आई थी शिवानी। कौन सी? वो सब्जी लेकर बड़ी वाली गाड़ी। उसी ने बताया कि भैया वो तीन दिन चार दिन जो है। कौन लाया था गाड़ी? वो 407 थी, उसमें पूरे वो लोग क्या कहते वो लाए थे उसमें रखकर। किसको दे रहे थे? आलू प्याज मतलब सस्ते में दे रहे थे वो। लिए नहीं? पास्कुर आलू लिए ना।
अब वो सब्जी आएगी नहीं? नहीं आएगी। 70 रुपए किलो दिए आप? 30 रुपए किलो। 30 तो वैसे ही मिल रहा है। नहीं नहीं 30 का मिल रहा है, हम लोग लाए हैं। हम लाए 30 रुपए किलो, 2 किलो 15 रुपए किलो टमाटर लाए हैं। वही वही वो दे रहे हैं, किलो अदरक तो देख सकते हैं आप लोग, अपना इतनी महंगाई होगी। 50 रुपए में आधा किलो अदरक, जो 10 रुपए किलो मिला करता था वो 50 रुपए हो गया है। पहले 10 रुपए किलो मिलता था अदरक, 10 रुपए का लाते हैं हम लोग। 10 रुपए किलो अदरक हाँ जी, शेविंग बना दो यार, बढ़ गई करना चाहिए, इसी में कर दो ना, दिक्कत क्या है? लॉकडाउन के समय सब चलता है। रखा तो है वो, इसे रखना पड़ेगा, ये मैं रख रही हूँ फ्रिज में, तुम ले जा रही है ना, इतना सारा तो रखो, तुम गर्म दूध खाओगे मजा आएगा। तो जो खाना है वो नीचे से ले आए हैं, अब मैं आपको दिखाऊंगी वो खाना, और मैं उसके साथ पूड़ी ही सेक लूँगी क्योंकि आटा पूड़ी का ही रखा हुआ है मेरे पास, तो पूड़ी सेक लूँगी अजवाइन वाली। और अभी ना बोजो और गूगल का खाना जो है वो हम लोग ले आए थे, वो देखिए वो रखा हुआ है खाना, वो रखाएगा खाना, और कोई और फूड अवेलेबल नहीं है अभी। और इनकी जो बोन्स हैं वो ख़त्म हो गए हैं जिससे इनके टीथ भी क्लीन होते हैं, तो वो हम लोगों ने उनसे बोल दिया था कि दो बाहर निकाल कर दें, शॉर्टेज हो रही है अब इनके, फूड की भी शॉर्टेज शुरू हो गई है, तो ये हमने ला के रख दिया। ये हम लोग, मैंने आपको बताया था, मैं अभी 2-4 दिन पहले मंगवाया है ये। और इनकी जो फूड है वो, जो इनका जो फूड है, सॉरी इनकी जो बोन है वो ख़त्म हो गई है, और बोन के बिना हमारा बोजो जो है वो सोता नहीं है, गूगल को भी चाहिए ही चाहिए, वो सोते ही नहीं है, मतलब बहुत नाटक करते हैं सोने में। और कल क्या था, वो ख़त्म हो गए थे तो मिले नहीं, तो अभी हमने उनसे बोला कि दो, तो आप दो पैकेट तो निकालो, दो ही थे उनके पास, तो दो अभी उनने गेट के बाहर टांग के रखे होंगे, तो यहाँ से पास ही में है, मतलब गली गली में ही है, तो हम अभी निकल रहे हैं क्योंकि जाना पड़ेगा, क्योंकि इन्हें सोना जो है वो भी हराम करके रखा हुआ है इस चक्कर में कि सोने ही देते, तो वो उसके लिए निकल रहे हैं हम लोग। और उसके बाद आके जो खाना है वो बनाती हूँ मैं। तो हम लोग कार ही में रहेंगे, गेट के बाहर टंगा हुआ है, गेट से जैसे हम पन्नी उठाएंगे ये से धो लेंगे, उसे कार में हम लोग रखेंगे, एक पैकेट को एक को उठा के धोएंगे और उसके बाद यूज़ करेंगे, तो वॉश करके ही यूज़ करिए अभी कुछ भी आप बाहर से ला रहे हैं। ये टाइम एकदम सेफ है रात का निकलने के लिए, क्योंकि ना रात में ना आपको लोग दिखेंगे ना कुछ, और भीड़ भाड़ नहीं रही है, वो रोड पे एक भी इंसान नहीं दिखेगा। देखिए इतना अंधेरा हो रहा है यार, नॉर्मली इतने बजे एक भी इंसान नहीं दिखता। मम्मी पापा सो गए हैं, उन्हें नींद आई थी आज, इसलिए हमारे साथ कोई। मैं तो मास्क लगाना भूल ही गया, लगा रखा है। आपका चोंच वाला मास्क नहीं है? नहीं, घूमने वाले घूम रहे, देखो पैदल घूम रहे हैं, वॉक करने वाले वॉक कर रहे हैं, पीछे आ रहे हैं दो लोग, तो लोग वॉक कर रहे हैं। तो एक्चुअली मैं ना पास ही में है, सैनिटाइजर मैंने ले लिया है, और ना क्या है, सांस नहीं आ रहा था। हाँ, सैनिटाइजर मैंने ले लिया, यहाँ पे जो लोग हैं, यहाँ पे हम लोग की जो कॉलोनी है वैसे नहीं निकलते से लोग बहुत, जैसे हमने धोली वोली पे कर्फ्यू, और वैसे भी बहुत रेयर, अगर काम वाम होता तो लोग निकलते, यहाँ पे ज़्यादा लोगों को एक दूसरे से क्यों पहलवान हो गया, यहाँ पे लोगों को एक दूसरे से ज़्यादा वो नहीं है, तो रख लिया जाए वापस। तो क्या है ना, हम लोग के यहाँ पे लॉकडाउन बहुत अच्छे से फॉलो हो रहा है, हम लोग की जो लाइन है ऐसे पूरे दिन कोई नहीं देखेगा आपको, लोग घर के अंदर ही कैरी होके खेलते हैं, कुछ कुछ काम करते रहते हैं। आ गए हम लोग, आ गए हैं, और बहुत भयानक भूख लग रही है मुझे, बहुत भयानक भीड़ थी भैया, बड़ी मुश्किल था। एक एक इंसान भटकता नहीं दिख रहा था, एक लुंगी वाले अंकल दिखे थे, ठीक है,
लंगी डांस लंगी, अब देख भी रहे थे क्या हो रहा है। कार के शीशे बंद थे तो पहचान तो नहीं पाया कि क्या गा रहे थे। घूर क्यों रहे थे? आ रही हूँ मैं खाना बना रहे हैं। तो जो सब्जी है ना वो मम्मी ने बनाई है। मम्मी बनाई सब्जी है? एक्चुअली मैं आज हाथ नहीं लगा सकती थी, मैंने बोला एक दिन और छोड़ दिया जाए क्योंकि छोड़ ही दिया जाए इसलिए मेरे को लगा नहीं खोलना। क्या नहीं? हाँ तो मेरे को लगा एक दिन छोड़ दिया जाए, तो एक दिन मैंने छोड़ दिया और कि आज नहीं करती मैं क्योंकि आज भगवान जी का ही खाना बनना था। तो सब्जी जो है मम्मी ने बनाई है, मम्मी स्लैब पे बैठ के पापा को उनको सब कुछ बता ही दिया था, बोल रहे थे उन्होंने खुद ही बनाई है। और जो हलवा है वो पापा ने बनाया, खीर पापा ने बनाई है, कितना सामान पापा ने बनाया है। तो फाइनली अब ये है कि कल से मैं बैक टू वर्क हूँ, कल से मैं अपना पूरा जिम्मा उठा लूँगी वापसी से खाने पीने का। और कल मैं सोच रही हूँ कि कल के लिए मैंने राजमा भिगो दिए हैं क्योंकि 3 दिन मार्केट बंद रहेगी मंडी सब्जी और मुझे पता ही नहीं था। और उसके कारण क्या हुआ, मेरे पास फ़िलहाल 2 बैंगन है, वो भी मुरझाए हुए बैंगन रखे हुए हैं घर में, और आलू प्याज रखे और टमाटर रखा है। तो अब थोड़ा ऐसे चलाना पड़ेगा जैसे दाल होगी या राजमा हो गए या छोले वोले हो गए, छोले कल ही खाए थे इसलिए छोले खाने का मन नहीं था, तो ऐसा ही सामान फिलहाल चलाना पड़ेगा। देखते हो बैंगन इस लायक है कि मैं उसका भरता बना सकती हूँ, तो सभी भून के रख दूंगी मैं, फिर सुबह भरते बना लूंगी। तो वो तो मुरझाया हुआ था, मेरे पास 2 रखे हैं, पता नहीं 2 किस कंडीशन में, देखने पड़ेंगे। तो मेरी शक्ल आपको थोड़ी सी अजीब लग रही होगी अभी, एक्चुअली मैं खाना खाया है और अब सोने की तैयारी हो रही है। तो हम इन लोग के बोन ले आए थे और वो गेट के बाहर ही। आजकल अगर आप किसी से सामान लेने जाते हो तो आपने देखा होगा, अगर आप राशन शॉपिंग पे भी गए होगे, एक तो एक रोप लग गई है और अलग अलग मार्क्स लगे हैं। बट जहाँ जहाँ पर हम लोग जाते हैं ना, जैसे हम जहाँ से शॉपिंग करके आते हैं वहाँ पर कोई नहीं आता है। तो वो एक ऐसी शॉप है जो बहुत सेफ है शॉपिंग के लिए, तो वो अंदर ही अंदर गलियों के अंदर है, हम लोग बाहर जाते ही नहीं। मतलब हम लोग इस एरिया से बाहर ही निकलते हैं क्योंकि अभी सेफेस्ट एरिया है यहाँ पे, तो हम निकलते हैं और वहाँ से जैसे वो कुछ भी देता है वो तो रस्सी से देता है, उसके बाद वो भी वो लोग बैठकर जो थैले वगैरह होते हैं वो ऐसे करते हैं। तो सबसे बेस्ट है अगर आपको सामान नहीं चाहिए तो हम उसे कार में ही रख देते हैं। तो अभी जैसे आटा मैं लेके आई थी, एक आटा जो मैं ऊपर लेके आई थी वो मैंने वॉश कर लिया था, और जो 3 आटे हैं वो अभी रखे हुए हैं कार में। तो 24 आवर्स का 48 आवर्स का वो रहता है कि सरफेस पे अगर कोई वायरस है तो वो अकॉर्डिंग टू आपने पढ़ा होगा स्टील पे कितनी देर रहता है। तो अब वो 3 दिन से आटा रखा ही हुआ है कार में, हमने उसे टच नहीं किया है, तो वहीं पे रखा हुआ है अभी। तो आई थिंक जब उसे लेके आएंगे तो वो ऑलरेडी थोड़ा सेफ हो जाएगा, उसे वॉश भी कर लेंगे। तो कुछ भी सामान ला रहे हैं आप उसे वॉश कर लीजिए, दूध के पैकेट्स आ रहे हैं उसे ये वॉश कर लीजिए, कोई भी सामान है तो उसे बाहर के बाहर ही वॉश कर लीजिए, कुछ भी ऐसे अंदर मत लाइए, ज़रूरी नहीं है कॉन्टैक्ट से ऐसे ही आएगा। तो वही शॉप बहुत सेफ है। तो अभी हम लोग इनकी हड्डी लाए, तो अब इनकी जो बोन थी उनका पैकेट धोना था, तो उसका पैकेट वगैरह धो के मैंने अलग रखा, और उसके बाद फिर जो हाथ थे वो धोए। और स्पेशली अगर आप बाहर जा रहे हैं एक सैनिटाइज़र लेके जाइए, और ये ध्यान रखिए कि अपने जो हाथ हैं वो चेहरे पे ना लेके आए, मास्क से कवर रखिए, और ये सब चीज़ें जो आपको फॉलो करनी है। तो मैं तो कार से उतरी नहीं थी, राजा गए गेट से उठा के, गेट के जो हैंडल रहते हैं ना उस पर टांग दिया था, वो लोग सो जाते हैं जल्दी तो वहाँ पे वो, तो इन लोगों का भी हो गया है। 3 दिन तक अब यहाँ पे सब्ज़ी नहीं आएगी, तो 3 दिन तक मुझे नहीं मालूम है क्या होना है। मेरे पास आलू प्याज है, मुझे सच में नहीं पता था मैं कि ऐसा कुछ होने वाला है। न्यूज़पेपर हम लोग लेते नहीं हैं और इतना कुछ पता नहीं था, तो पापा ने जितनी सब्ज़ी लेनी थी उन्होंने ले ली है, तो उसी से काम चलाना पड़ेगा। मैंने राजमा जो है वो भिगो के रखे, और मैं सोच रही हूँ कि आज इमली के चावल बनाओ मम्मी पापा लोगों के लिए, कुछ चेंज भी हो जाएगा, आप लोग को चेंज भी करना हो तो। और सबसे ईजीएस्ट रेसिपी, अगर आपको लग रहा है भूख लग रही है, और वो ऐसी चीज़ है इमली के चावल जो आप 2-3 दिन आराम से चला सकते हैं जो मौसम अभी चल रहा है। क्योंकि मेरे को याद है जब हम लोग बैंगलोर में रहते थे, तो बैंगलोर से हम लोग दिल्ली की ट्रेन पकड़ते थे, मेरे पापा एयरफोर्स में थे उस टाइम पे। तो उस टाइम पे मेरी मम्मी 2-3 चीज़ें बनाती थी, एक होता था करेला, करेला नहीं ख़राब होता राजा, प्लीज़ लाइट बहुत अच्छी लग रही थी यार आपको लग रहा है, हाँ ये सही लग रही है। एक होता था करेला, करेले की सब्ज़ी नहीं सड़ती है, और मक्खन निकालते ना घर में, वो मक्खन लेके जाते थे, तो वो
एक दिन तक चलता था, मक्खन ज़्यादा नहीं चलता था। इमली के चावल जो रहते थे वो 3 दिन, जैसे हम लोग जा रहे ट्रैवल करते थे, जैसे जिस दिन बैठे परसों पहुँचेंगे, तो 3 दिन का ट्रैवल लेके चलते थे मुझे, तो उसमें इमली के चावल काफ़ी ज़्यादा चलते थे। लाइक एंडिंग तक जो रहते थे वो इमली के चावल ही चलते थे, तो इमली के चावल बहुत ज़्यादा चल जाते। तो अगर आपको लग रहा है कि घर में कुछ स्टोर करके रखना है, कि आपको खाना नहीं बनाना है अभी या कुछ है, तो एक इमली के चावल बना के रख लीजिए। अगर किसी को रेसिपी नहीं पता है तो मैं आज बनाऊँगी, तो इसी ब्लॉग में वो रेसिपी भी डाल दूँगी, ताकि आपको लग रहा है कि एक दिन सुबह बना लिया आपने, वो रात तक खाई। और सबसे अच्छी बात यह है कि वो बहुत अच्छे भी लगते हैं। तो एक राजमा बना दूँगी, क्योंकि राजा जो हैं वो राजमा चावल खाना चाहते थे, तो एक राजमा चावल बना रही हूँ मैं। एक इमली के चावल बनाऊँगी, क्योंकि 4 लोगों का खाना है, इमली के चावल इतने नहीं चलेंगे, तो मैं इतने सारे बनाऊँगी नहीं, तो थोड़े से बनाऊँगी कि थोड़ा उससे लंच वगैरह हो जाए। क्योंकि नाश्ते के लिए एक तो हम सोते भी रहते हैं, और मम्मी पापा भी नाश्ता ऐसा है, दूध ले लिया और नहीं ले लिया, उनका भी कोई प्रॉपर ऐसे नहीं कि फ्रूट्स खा लिए ही खा लिए। तो लंच और डिनर के लिए बेस्ट रहेगा। मैं आज क्या करूँगी, एक साथ पूरे खाने की जो तैयारी है वो करके रख दूँगी, तो वो हो जाएगा। तो पहले मैं इमली के चावल बनाना बता दूँगी आप लोगों को, उसके बाद की बात तैयारी होगी। तो बेस्ट है अगर आप खुद करना है, या करेले की सब्ज़ी आप स्टोर करके रख सकते हैं, कि आपने बना ली तो आप उसे 2 दिन तक तो खा सकते हैं, कि रोटी बनाए आप तो फ्रिज भी है, फ्रिज में रख सकते हैं एज इट इज़। और इमली के चावल भी फ्रिज में रख सकते हैं, वैसे वो बाहर भी ख़राब नहीं होते हैं। मैं जैसे कभी जा रही होती हूँ ना कहीं, जैसे मैं ट्रेन में अभी भी ट्रैवल करती हूँ, तो मैंने अगर एक पूरी सब्ज़ी बनाई है तो मैं एक इमली के चावल भी बना लेती हूँ, कि इन केस अगर ट्रेन लेट हो गई तो सुबह मैं पूरी नहीं खा सकती, पर मैं चावल खा सकती हूँ, क्योंकि स्टेशन का खाना नहीं खाया जाता है मुझसे, वहाँ की चाय भी पीने लायक नहीं होती, वहाँ का खाना भी खाने लायक नहीं होता। सीरियसली रेलवे का खाना नहीं खाया जाता है, चाहे आप कितना महंगा ऑर्डर कर लो, कितना क्या ऑर्डर कर लो, है ना राजा? रेलवे में जो खाना आता है कितना भी आप पता है थाली ऑर्डर करो, याद है हम लोग जब अभी आए थे ना, तो इतना खराब खाना दिया था उन लोगों ने, कितने की हमने ना 2 थाली मंगवाई थी, उसमें ना सब्जी खाने लायक थी, ना दाल खाने लायक थी, रोटी पराठा जो भी था कुछ भी खाने लायक नहीं था। मैंने 2 चम्मच, इतनी भूख लगी थी, मैंने 2 चम्मच चावल उठा के खाए, और मेरे से पता है मतलब खाने का मन ही नहीं करा था, जो हालत में थी। तो बेस्ट है सीरियसली वो खाना नहीं खाया जाता, और भूख बहुत लगी थी, फिर हमने नमकीन वगैरह खा ली थी, नहीं खाया गया था वो खाना। तो बेस्ट इमली के चावल उस टाइम के लिए। तो इमली के चावल एक बहुत अच्छी चीज़ है, अगर आपको बनाने आते और नहीं आते तो मैं तो हूँ, मैं सिखा दूँगी आप लोगों को आज ही। तो चलिए मैं थोड़ा सा रेस्ट कर लूँ, लेट जाती हूँ, सो जाती हूँ। मम्मी पापा के साथ आज नहीं खेले, क्योंकि वो लोग थक गए थे, ज़्यादा रुके भी नहीं हम लोग, है ना, क्योंकि वो सो ही गए थे, वो 9:30 बजे सो गए थे आज। तो चलिए मैं सो रही हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों से सुबह मिलती हूँ। गुड मॉर्निंग, और धूप निकल रही है, पता है अभी जो धूप है वो बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई है, लाइक इतनी तेज कि आप भुन सकते हो उस पर जाके, तो काफ़ी तेज़ धूप हो रही है। देखिए कितनी अच्छी धूप आ भी रही है। तो अभी जो था, मैं यहाँ पे बैठी थी, तो दिन में आप धूप खा लीजिए, धूप अभी अच्छी है आप लोगों के लिए, विटामिन डी आना ज़रूरी है, तो आप बालकनी वगैरह में बैठ सकते हैं, वैसे थोड़ी सी ज़्यादा धूप है ना, गर्मी लग रही है। तो साथ साथ में मैं काम भी कर रही थी, और मैंने ना खाती बताती हूँ क्या हो रहा है। तो किचन में मैंने काफ़ी काम जो है वो निपटाया है उठने के बाद, और मैंने राइस बॉईल कर लिए हैं, राजमा जो है वो बल रहे हैं, मूंगफली फ्राई कर ली है, और मैं थोड़े डब्बे वगैरह क्लीन कर रही थी, तो ना मुझे बॉयल्ड राइस मिले, तो बॉयल्ड राइस से इडली बहुत अच्छी बनती है, तो मैंने दोबारा से भी हो दिया इडली के लिए। अब डोसा नहीं बनेगा बॉयल्ड राइस से, इडली बनेगी बस, इडली काफ़ी अच्छी और सॉफ्ट और फूली इडली बनती है। तो मेरे को लगा बहुत टाइम से रखा है, मेरा डब्बा भी खाली हो जाएगा, तो डब्बा मैंने वॉश करके रख दिया है, और जिस अभी काम था वो निपटा लिया है मैंने उठने के बाद। तो अब मैंने आप लोगों से जैसे कि कहा था इमली के चावल, तो सबसे पहले तो इमली के चावल के लिए करी पत्ता चाहिए होता है। मेरे करी पत्ते का जो पेड़ है उसमें ज़्यादा करी पत्ता आ नहीं रहा है, मतलब डालने लायक, और उसमें जो पत्ते हैं वो एकदम छोटे छोटे से बच्चों टाइप के, मतलब एकदम छोटे छोटे से बच्चे हैं वो, तो मैं नहीं तोड़ रही हूँ उन्हें अभी, तो करी पत्ते के बिना बनाऊँगी। करी पत्ता है आप लोगों के पास बहुत अच्छा है, अभी मार्केट में भी नहीं मिल, अभी सब्जी वाले भी करी पत्ता नहीं ला रहे, हाँ अगर मैं ढूंढती जाती तो मिलता, और अभी ऐसा वो नहीं है कि अभी ऐसा माहौल नहीं है कि मैं करी पत्ते के लिए कहीं जाऊँ और करी पत्ता स्पेशली ढूँढूँ। तो ये जो कढ़ाई है इसमें ना मैं एक जगह राइस को प्याज में फ्राई कर दूंगी, तो अभी इसको मैं नहीं छू रही हूँ। ये जो राइस है ये देखिए खुले खुले बनाए हैं,
इसमें एक चम्मच मैंने तेल डाल दिया था और नमक डाल दिया था, तो काफ़ी अच्छे लगते थे। तो मैं पैन में बना रही हूँ क्योंकि मसाला जो है इसका पैन में बनाना पड़ेगा। तो मूंगफली जो है वो मैंने फ्राई करके रख दी है, तो गैस ऑन कर दी है मैंने। अब मैं थोड़े से राइस डिवाइड करूंगी क्योंकि कुछ राइस मुझे राजा के लिए भी चाहिए। राजा को अनियन वाले मूंगफली वाले फ्राई राइस ज़्यादा पसंद है, तो उनके लिए मैं अलग से फ्राई करूंगी और तीन लोगों के लिए अलग से रखूंगी। और राजमा जो है एक मैं राइस जो है वो अलग कर लूँगी पहले। तो राइस आप खुले खुले बनाने वरना फेवरेट के राइस बिल्कुल अच्छे नहीं लगेंगे। तो मैं ऑयल लूँगी पैन में, बहुत ही सिंपल है पता आपको, सीरियसली सबसे सिंपल रेसिपी है और साथ में ये काफ़ी देर तक, काफ़ी दो तीन दिन तक आराम से चल सकती है। ज़रूरी नहीं है कि आपको इसको रेफ्रिजरेट ही करना पड़ेगा। उसके बाद कुछ खड़ी मिर्ची चाहिए, तो अब मैं राई डालूँगी सबसे पहले। दो चम्मच चने की दाल, चने की दाल भी बहुत अच्छी लगती है इसमें, और करी पत्ता डाल देते तो सोने पे सुहागा हो जाता, बच नहीं है मेरे पास। तो इसे हम सिम पे बनाएंगे। आई थिंक मुझे इसे थोड़ा सा क्लोज कर देना चाहिए आप लोगों से, तो ज़्यादा अच्छा रहता है। हो गया फ्राई, और अब मैं इसमें डालूंगी हरी ये लाल मिर्ची ताकि ये भी फ्राई हो जाए इसके साथ। तो ये रेसिपी कई बार मैंने आप लोगों को बताई है और कुकिंग जोन पे इसकी रेसिपी डली हुई है, बट क्योंकि ये आप लोग पूछते ही कैसे बनाया कैसे बनाया, तो बहुत ही शॉर्ट रेसिपी है, इसलिए मैं आप लोगों के साथ एक बार फिर से इसे शेयर कर रही हूँ। और अब मैं इसमें जो इमली है मैंने भिगो के रखी थी उसका जो पल्प है वो निकाल के डाल दी। अब मैं इसमें डाल दूंगी हल्दी, लाल मिर्ची और साथ में मैं इसमें डालूंगी नमक। और अब मैं इसे बनने दूंगी। तो जो इमली है और जो ऑयल है वो अलग हो जाएगा आपसी में, तब तक हम इसे बनाना है, तो इसे बनने रहते हैं। तब तक मैं प्याज काट के जो प्याज भर जाए थे उन्हें फ्राई करने के। आप देख सकते हैं ये बन गया है और अब मैं इसे गैस से उतारूंगी और अब मैं आपको बताती हूँ कि आगे क्या करना है। मैं इसमें जो हम लोगों ने ये तैयार किया है वो डाल दूंगी। ये डाल दिया मैंने, मैं इस मसाले को मिक्स करूंगी। तो मिक्स आपको बहुत ही लाइट हैंड से करना है, या फिर आप दो स्पून भी ले सकते हो, दो स्पैचुला भी ले सकते हो, ताकि ये जो है ये चावल खिले खिले रहे, ये घुटे ना उसी में। तो ये जो है ये देखिए मिक्स कर लिए मैंने, और अब मैं इसमें डाल दूंगी मूंगफली।
तो ये जो है ये बनके तैयार है, आप देखिए एकदम खिले खिले बने हैं। तो राइस को आपको अच्छे से बनाना बहुत ज़रूरी है। इन चावलों ये हो गए हैं बनके तैयार और साथ में बहुत ही टेस्टी भी लगते हैं। इमली के जो चावल हैं वो बन गए हैं और ये अभी मैं नीचे राजा के हाथ पहुंचा रही हूँ और उसके बाद मैं जा रही हूँ थोड़ा सा शाल लेने, गर्मी लगती है पता है। उसके बाद फिर मैं बना रही हूँ राजमा वगैरह और फिर मेरे को थोड़ा बहुत काम यहाँ का है, उसके बाद फिर मैं जा रही हूँ नीचे तैयार होके, क्योंकि ऑब्वियसली ऐसे कपड़े में नहीं जाऊँगी, आई लव यू। तो ये जो है ये मैं पहुँचा रही हूँ। तो मैंने आपको एक छोटी सी रेसिपी बता दी, जल्दी बना रही हूँ आप लोगों को, तो बहुत अच्छी रेसिपी चल भी जाती है और अगर बच्चे हैं तो बच्चों को बहुत पसंद आएगी, सीरियसली बहुत अच्छी लगती है, मोस्टली बच्चों को बहुत पसंद रहती है इसलिए। तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ इस व्लॉग को एंड, मैं मिलती हूँ कल विद अ न्यू वीडियो, तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल, सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, बाय।